महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने जैसे हालात सामने आ गए। देश के जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उन्हीं में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा 15 दिनों के कर्फ्यू की घोषणा की गई। महाराष्ट्र में 144 धारा लगाई दी गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिक मजदूर अपने मूल स्थान की तरफ लौटने लगे। मजदूरों ने अनुसार पिछले साल लॉकडाउन में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दो वक्त की रोटी के लिए मजदूरों को कई मुसीबत झेलनी पड़ी। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में राऊ थाने पुलिस एक एनजीओ की मदद से वापस लौट रहे श्रमिकों की मदद करने में जुटी है। उनके लिए जलपान आदि की व्यवस्था कर रही है। महाराष्ट्र से इंदौर लौटे एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा है कि हम अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू की घोषणा के बाद आजीविका कमाने की समस्या थी। मैंने पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान वहां से पलायन किया था, लेकिन स्थिति में सुधार होने के बाद वापस लौट गया था। पिछले साल की तरह इस बार भी पुलिस हमसे जबरन वसूली कर रही है। गरीब मजदूरों को पुलिस बेरहमी से पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस दारू बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, अवैध धंधे वालों से पैसे उगाही का काम करती है। कोरोना की वजह से सभी को रोजगार बंद हो चुके हैं और ऐसे में लोगों को कैंपस में खाने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं है। ऐसी गुजार प्रशासन को आम आदमी लोगों ने लगाई है।